आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऑल्ट्रोज XM प्लस S के बारे में जो है ना थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों के सामने है। तो इसकी जो है ना फ्लिप की कुछ इस टाइप की आप लोगों को रहने वाली है, जिसमें काफ़ी सारे मल्टी फंक्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसमें फॉलो मी होम, लॉक, अनलॉक, जो है ना आप लोगों के ऑटो फोल्ड मिरर भी इसी से ही हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेस्ट आप लोगों को जो है ना ऑप्शन इसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें ऐसा क्या खास है वो आप लोगों को जो है ना आगे आप लोगों में बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को जो है ना सनरूफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है टाटा की तरफ से। तो सामने से बात कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल टाटा का लोगो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या डैशिंग लग रहा है, और ग्रिल भी आप लोगों के सामने है। यहाँ पे जो है ना डुअल चैम्बर आप लोगों को हेडलाइट का सेटअप आप लोगों को मिल जाता है, जिसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा स्लीक है। नीचे आप लोगों को किसी भी टाइप का जो है ना फॉग लैम्प का ऑप्शन आप लोगों को इसमें नहीं मिलता है, वो आप लोगों को जो है ना XT वाले वेरिएंट में देखने को मिलेगा। ये है आप लोगों का ऑल्ट्रोज का XM प्लस S वाला वेरिएंट, जिसमें व्हील कवर्स भी आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इसमें दिया जाता है पैक करके। बाकी रेडिएटर ग्रिल भी आप लोगों के सामने है इसमें। बाकी इसके एरोडायनामिक्स अगर आप लोग देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा शार्प आप लोगों को नज़र आते हैं। साइड से कुछ इस टाइप की लुक आप लोगों को जो है ना ऑल्ट्रोज की आती है। गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है सब कुछ सेम है, बस इसके अंदर जो है ना आप लोगों को जो है ना कई फीचर्स दिए गए हैं, जैसा कि आप लोगों को सनरूफ मैंने अभी कहा था। फेंडर पे आप लोगों को इसका इंडिकेटर दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों को कुछ इस टाइप से ये बाहर से पन्नी चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, तो इसी वजह से आप लोगों को लू दिखाई दे रहा है। टायर साइज आप लोगों को यहाँ पे अगर दिखाई देगा तो यहाँ पे जो है ना इसमें आप लोगों को टाटा का लोगो भी व्हील कवर में दिखाई दिया जाता है। MRF का आप लोगों को यहाँ पे टायर देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं इसकी जो प्रोफाइल है वो कितनी है। तो इसकी प्रोफाइल जो है ना यहाँ पे 185/60 R16 इंचेस के आप लोगों को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो इससे पहले वाली नेक्सॉन XM प्लस S थी उसमें आप लोग को ये नहीं मिलता था, अब जो है ना आप लोगों को जो XT वाले वेरिएंट में देखने को मिलता है वो इसमें मिलता है। बस इसके अंदर आप लोगों को फॉग लैंप्स नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए थोड़ी सी इसको हम मैनेज कर सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात है इसमें सनरूफ आप लोगों को दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। विंडशील्ड आप लोगों को कुछ बड़ा सा देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसकी जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी आप लोगों को लगने वाली है। साइड ORVMs आप लोगों को ब्लैक्ड आउट मिल जाते हैं बिल्कुल पियानो फिनिश के अंदर, और ये जो ब्लैक कलर की पट्टी जो जा रही है जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके लुक्स को इनहेंस कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप की आप लोगों को जो है ना बैक प्रोफाइल इस गाड़ी की लगती है, तो बैक से भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। और सेगमेंट में अगर देखते हैं तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना पसंद की जाने वाली एक प्रीमियम हैचबैक है, जिसकी जो हेडलाइट सेटअप है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्लैक्ड आउट सा आप लोगों को स्मोगी इफेक्ट इसके अंदर मिलता है, जो कि आप लोगों को किसी भी टाइप का LED नहीं मिलेगा यहाँ पे। और टाटा का लोगो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। नीचे कैमरा भी आप लोगों को दिया जाता है, ऑल्ट्रोज की बैजिंग भी है यहीं पे। और जो पियानो फिनिश है ना इस गाड़ी के साथ ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना सही लगते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा शूट करता है इस गाड़ी को ये कलर नहीं मतलब ये आप लोगों को देख रहा हूँ जो आप लोगों को मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। नीचे से कुछ गाड़ी इस टाइप की लगती है, बैक बम्पर काफ़ी सही है, और डुअल पार्किंग आप लोगों को सेंसर भी मिल जाते हैं। साइड से भी कुछ इस टाइप की लगती है गाड़ी, और लुक्स के मामले में तो सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा शानदार ये गाड़ी है। शार्की 19 आप लोग को पहले नहीं मिलता था, अब इसके अंदर शार्की 19 आप लोग को मिल जाता है ब्लैक पियानो फिनिश में, कुछ इस टाइप का शार्की 19 आप लोग को लगता है। स्पॉइलर आप लोग को जो है ना छोटा सा यहाँ पे मिलता है, जिसमें ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। वाइपर डिफॉगर आप लोग को इसमें नहीं मिलता है, वो आप लोगों को जो है ना टॉप वेरिएंट मिलेगा। तो 50 लाख कार्स का यहाँ पे आप लोगों को लोगो लगा हुआ दिखाई देगा, और ये कुछ इस टाइप की लुक है इसमें। और की जो है ना आप लोगों के सामने फिर से दिखा रहे हैं, यहाँ पे अनलॉक भी आप लोग इससे कर सकते हैं, जो ORVM से इसके फोल्ड अनफोल्ड आप लोग यहीं से कर सकते हैं। तो चलिए इसका इंटीरियर अब आप लोगों को जो है ना हम चेक कराते हैं कि इंटीरियर किस टाइप का इस गाड़ी का देखते हुए मिलता है हमारे को। तो ये कुछ इंटीरियर है इस गाड़ी का, आप लोगों को जो है ना डुअल टोन डैशबोर्ड के साथ का जो कलर है वैसे ही ऑप्शन आप लोगों को मिलता है यहाँ पे, बेज और ग्रे कलर का आप लोगों को फिनिश मिलेगा। दूर से कुछ इस टाइप की आप लोगों को मिलती है। तो सच बता रहा हूँ ऑल्ट्रोज की जो मतलब है ना जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा दमदार है। मजबूती का नाम जो है ना वो टाटा ही है इस टाइम पे। ट्यूटर का प्लेसमेंट आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और ब्लैक आप लोगों को ये सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे सारे कंट्रोलर्स आप लोगों को मिल जाते हैं विंडोज़ के, और कप होल्डर वगैरह वगैरह सब कुछ इसके अंदर दिया जाता है। स्पीकर का सेटअप भी आप लोगों को मिलता है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं बाय पावर हरमन, और सीट्स अभी देख सकते हैं यहाँ पे कवर अप किया गया है। अब इसमें आप लोगों को जो है ना हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हर एक गाड़ी में जो है ना ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है ना प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल लिड खोलने का ऑप्शन है, और इसमें आप लोग को पुश ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा, आप लोग को रेगुलर यही चाबी डालनी पड़ेगी। और आइडल स्टॉप स्टॉप का बटन है, और AC वेंट्स का जो आप लोग देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ पे देखने में। और चलिए अंदर चलते हैं इसमें। यहाँ पे जो है ना डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आप लोगों को लगता है। अगर आप लोग बेस वेरिएंट भी लेते हो इसका तो आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हाँ हम बेस मॉडल में बैठे हुए या फिर टॉप मॉडल में बैठे, अब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है इसमें। टाटा का लोगो आप लोग स्टेयरिंग व्हील पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी आप लोग को इस वाले वेरियंट के अंदर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर आप लोग चेक आउट कर सकते हैं इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है ये सब।
तो चलिए ये देख सकते हैं आगे आप लोग इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका लुक भी आप लोग चेक करिए क्या मस्त लगता है। और ऑल्ट्रोज की आप लोग को जो है ना यहाँ पे भी ब्रांडिंग दिखाई देगी। सारे आप लोग को एसी इवेंट्स के कंट्रोल यहाँ पे आप लोग को सब कुछ दिखाई देता है। और देख सकते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे ये नहीं है, आप लोग को मैनुअली सेट करना पड़ता है सारा। और ये कुछ इस टाइप का आप लोग को डिज़ाइन मिलता है। डुअल टोन डैशबोर्ड है तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है देखने में भी। और यहाँ पर जो है ना इसका ग्लव बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग को ह्यूज देखने को मिलता है, जिसमें हम देखेंगे आगे। और कुछ इस टाइप का आप लोग को जो है ना यहाँ सेंटर कंसोल आप लोग को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है देखने में। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आप लोग को इसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये कुछ इस टाइप की आप लोग को जो है ना यहाँ पे लुक देती है। और वाइट लाइट आप लोग को अंदर कैबिन के अंदर देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस टाइप से आप लोग को लगेगा। ये रहा सनरूफ, आप लोग देख सकते हैं सनरूफ ओपन करने के लिए आप लोग ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। चलिए जब प्रीमियम आप लोग गाड़ियाँ दे रहे हैं तो आप लोग को ये सब कुछ तो देना बनता था, क्योंकि i20 इसकी राइवल है उसमें आप लोग को दिया जाता है। तो यहाँ पे भी अब आप लोग को जो है ना बेस वेरिएंट से ही सनरूफ का ऑप्शन दे दिया टाटा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इसको क्लोज़ करने के लिए भी यही है, देख सकते हैं आप लोग सनरूफ क्लोज हो जाता है। और कुछ इस टाइप से जो है ना विजिबिलिटी आप लोग को अंदर से आती है, काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है ये गाड़ी। तो भाई आप लोग बताओ, आप लोग को ये गाड़ी किस टाइप से आप लोग को देखते हो इस गाड़ी को, आप लोग को ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए मुझे बताइए। आप लोग को ये गाड़ी पसंद है या फिर नहीं है। यहाँ पे आप लोग को जो है वैनिटी मिरर मिल जाता है एक ही साइड, और 7 इंच का आप लोग को स्क्रीन मिलता है। 12 वॉट का सॉकेट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, USB पोर्ट भी आप लोग को मिलता है। वायरलेस चार्जर वगैरह आप लोग को इसके अंदर नहीं मिलेगा, वो आप लोग को जो है ना जो डार्क एडिशन वगैरह है जो उसका टॉप मॉडल वगैरह वगैरह अभी लोग इसमें आप लोग को नहीं आया किसी में भी, तो पीछे वाले सीट्स को खोलने के लिए। इसका सबसे अच्छी बात है कि ये डोर्स इसके 90 डिग्री में ओपन हो जाते हैं, जो कि अंदर उतरना चढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, चाहे सीनियर सिटीजन्स की ही बात हो जो मतलब डिसेबल्ड होते हैं फिजिकली। तो कुछ इस टाइप से जो है ना अंदर की जो लुक देती है गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस कैबिन है इसका पीछे वालों के लिए भी और आगे वालों के लिए भी। तो पीछे तो कुछ इस टाइप का आप लोग को जो है ना कैबिन आगे का लगता है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब जो बोल सकते हैं आप लोग बोलिए यार, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये गाड़ी बनाई है टाटा मोटर्स ने। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। और जो ये ऊपर का जो रूफ है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डाउन कर दिया गया है, वो सनरूफ के लिए किया है ऐसा। तो पीछे आप लोगों को कुछ आर्म रेस्ट वगैरह यहाँ पे इसमें देखने को नहीं मिलेगा, हेड रेस्ट भी आप लोगों को जो है ना फिक्स्ड इसमें मिलते हैं, पर आगे के जो दोनों हेड रेस्ट है वो आप लोग फिजिकली एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पीछे भी जो है ना AC वेंट्स इसमें नहीं मिलते, जो कि चलिए कोई बात नहीं, टॉप मॉडल अगर लेते हो तो वहाँ पर आप लोग को सब कुछ मिल जाता है। अब जो है हम लोग पीछे चलते हैं और पीछे से इसकी जो थोड़े से हम लोग चेक करते हैं इसका डिक्की वगैरह क्या क्या कहता है इसमें। तो इसकी डिक्की खोलने के लिए ना यहाँ पे आप लोग को सेंसर दिया जाता है, उसको प्रेस करना है तो अब ये डिक्की खुल जाता है। 345 लीटर्स का ह्यूज आप लोग को जो है ना यहाँ पे बूट स्पेस इसमें मिलता है, जिसमें आप लोग को होल्डर्स वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करके दिए गए हुए हैं। पार्सल ट्रे भी आप लोग को मिल जाता है, काफ़ी सारा सामान आप लोग इसके अंदर जो है ना लगा सकते हैं। तो स्पेयर व्हील भी आप लोग को मिल जाता है, इसके नीचे ही आप लोग को इसका स्पेयर व्हील मिलेगा, जो ये कपड़ा आप लोग देख रहे हैं। तो ये रहा इसका स्पेयर व्हील, जिसमें आप लोग को सारे जो है ना इसके अंदर सिस्टम दिए जाते हैं इसको खोलने के लिए, टायरों को स्पेशली। तो चलिए बंद करने के लिए ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। चलिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। गाड़ी को पता है आप लोगों को जो है ना ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार मिल चुके हैं। ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, जिसको पहली ऐसी गाड़ी है और ये हैचबैक में जिसको 5 स्टार मिले हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और लाइट्स का जो है ना थ्रो वगैरह आप देख सकते हैं आप लोग किस टाइप का आप लोग को मिलता है गाड़ी के हिसाब से, जो है ना लाइटिंग का जो थ्रो है वो आप लोग को बढ़िया मिलेगा। बस इसके अंदर फॉग लैंप्स वगैरह DRL वगैरह नहीं है, इतना सा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग को करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ तो हर जगह करना ही पड़ता है। बाकी गाड़ी का लुक्स देखिए आप लोग, चेक करिए किस टाइप की आप लोगों को लग रही है, बताना मुझे ज़रूर से ज़रूर। बाकी ये सच में बता रहा हूँ रोड डोमिनेटिंग आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सच में बता रहा हूँ हेड टर्नर ये गाड़ी है, आज भी जो है ना आउटडेटेड ये नहीं लगती है। जितना इसको देखोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग को जो है ना पसंद आएगी ये गाड़ी। बाकी ओवरऑल इसमें आप लोग को जो क्या क्या चीज़ें नहीं है वो आप लोग के सामने है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील वगैरह आप लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। फिट एंड फिनिश जो है ना काफ़ी अच्छी सी आप लोग को मैनेज लगेगी, बाकी हर गाड़ियों में कमी और जो है ना अच्छी और अच्छी बुरी चीज़ें तो होते ही है। बाकी ये कुछ इस टाइप की आप लोग को लग रही है यहाँ पर, अब साइड वाले जगह में आप लोग देख सकते हैं, मतलब गाड़ी जो है ना कैबिन अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, तो आप लोग को जो है ना बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बड़ा सा आप लोग को ग्लव बॉक्स मिलेगा, जिसमें आप लोग को मोर नाश्ते यहाँ पे मिलती है, जो कि आप लोग के सामने देखिए सेगमेंट में सबसे बड़ा आप लोग को ग्लव बॉक्स इसी गाड़ी के अंदर देखने मिलता है टाटा की गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर इको ड्राइव मोड भी आप लोग को मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए सनरूफ आप लोग को इसके अंदर मिल रहा है। बाकी कोई भी अगर इस गाड़ी से रिलेटेड आप लोग के मन में सवाल होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। बाकी ये था ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में, कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और चैनल पे नहीं तो जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे आते रहती है।
बाकी मैं मिलूंगा आप लोग को ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पे। आप लोग रखना अपना ध्यान, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ रहे। जय हिंद।